हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 38 इंच कमर वाली प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड हमें कमर के हिसाब से करना है। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा लेती हूँ, जिसमें हमें रबर डालना है फोल्ड करके। कमर 38 इंच है, जिसमें हम 4 इंच लूजिंग देंगे तो 42 हो गया, और 42 का चौथा भाग 10.5। तो हम कमर पे 10.5 पे निशान लगाएंगे और हिप्स पे 2.5 इंच बढ़ा के, तो 10.5 में अगर हम 2.5 इंच बढ़ा देते हैं तो 13 हो गया। ये लंबाई का निशान लगाई, 34 इंच हमारा लंबाई है तो 34 इंच पे हमने निशान लगाया। इस तरह से निशान को मिला लेती हूँ और अब नीचे मोरी को मोड़ने के लिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। आप चाहे तो 1.5 और 2 भी ले सकते हैं। अगर आपको चौड़ी पट्टी चाहिए तो आप 2 इंच तक ले सकते हैं। मुझे पतली पट्टी की बनानी है, इसके लिए हमने 1 इंच मार्जिन रखा नीचे मोरी में। अब ये कमर की निशान लगा रही हूँ, कमर पे हमें 10.5 लेना है और यहाँ से 10 इंच पे आसन का निशान लगा लेती हूँ। ये 10 इंच पे आसन का निशान लगा लिया। अब यहाँ से 10.5 इंच ऊपर 10.5 है, तो यहाँ पर भी 10.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और इन दोनों निशान को मिला लेती हूँ। ये जो मैंने फोल्ड करके रखा है, ये 13 इंच पे हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे ये बच गया हमारा, 10.5 और 2.5 13 होता है, तो हमने 13 लिया ही था। अब इसे गोलाई ले लेती हूँ इस तरह से। ये हमारा आसन का निशान लग गया। अब यहाँ से 12.5 पे एक निशान लगाई, जो सिलाई के लिए होगा। अब यहाँ से मैं पूरा हमारा 13 इंच है, 13 का आधा 6.5 पे हमने एक निशान लगाया और नीचे भी हम 6.5 पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशान को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से हमें मोरी 7 रखनी है, तो हम 3.5 पे बीच में लेके निशान लगा लेंगे। बीच में हमने रखा 3.5 को, यहाँ 7 पर निशान लगाया, यहाँ 1 पे निशान लगाया। ये 1 इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन लिया। अगर आपको इससे पतली मोरी चाहिए तो आप 5.5 या 6 भी ले सकते हैं। अब इन दोनों निशान को मिला लूँगी। उसके पहले मैं यहाँ पर एक निशान लगा लेती हूँ। ये इस तरह से निशान को मिलाऊंगी। ऊपर कमर में इस तरह से कर्व करके निशान लगा लूंगी। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसकी कटिंग हो गई है। अब पीछे के पार्ट के लिए हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। आगे के पार्ट का हिप्स हमने 13 लिया है, तो 3 इंच बढ़ा के हमने कपड़े को फोल्ड किया है पीछे के पार्ट के लिए। अब यहाँ पर मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 1 इंच हमें पीछे ज़्यादा लेना है आसन के पास। जब हम बैठते हैं तो खींचा जाता है ये वहाँ पर कपड़ा, इसके लिए 1 इंच हम ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं पीछे के पार्ट के लिए। इस तरह से लेने पे जब हम बैठते हैं तो हमारा पैंट पीछे की तरफ नहीं खिंचाता है। इसे इस तरह से सेट कर ली।
अब यहाँ पर हमें 1 इंच रखना है और साइड में हमें तिरछी मिला लेना है। इस तरह से तिरछा लेके इसकी लाइन को मिला ली। अब इस लाइन को बढ़ा ली आसन के लाइन को। अब यहाँ से 13 इंच पे एक निशान लगाई और इसे नीचे वाले निशान से मिला लेती हूँ। और जो ये हमारा कपड़ा बच गया इसे गोलाई में ले लेती हूँ। ये 3 इंच जो एक्स्ट्रा था पीछे के पार्ट के लिए उसकी गोलाई ले ली। अब मैं पैजामे की पूरी लंबाई की हाफ पे निशान लगाऊंगी, जो हमारा घुटने के लिए निशान होगा। 34 है हमारा पूरी लंबाई और हमने 17 पे निशान लगाया। अब ये घुटने के पास 2 इंच बढ़ा के लेंगे और नीचे 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। अगर घुटने के पास आपको थोड़ा फिट रखना है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इन तीनों निशान को मिला लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस पैंट प्लाजो में पॉकेट भी लगने वाला है, जिसे हम स्टिचिंग के समय आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हमने 1 लिया और यहाँ पर क्रॉस करके काटा। इस तरह से अब प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अब इसका स्टिचिंग देखेंगे आप। सबसे पहले हम दोनों पार्ट के आसन को जोड़ लेंगे। उसके बाद ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 12 है और इसकी चौड़ाई 7.5 है। इसे डबल फोल्ड में रखी हूँ। ये देखिए इस तरह से इधर खुला भाग है और ये दूसरे साइड में बंद भाग है। इसे खोल करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा कपड़ा है। अब मैं ये पैजामे की आसन को सिल ली हूँ और इसके साइड में पॉकेट लगाना है मुझे। यहाँ से हमें पट्टी को मोड़ना है। ये 2 इंच पे हमने ये निशान लगाया और जहाँ से हमने मोड़ने के लिए रखा है वहाँ से हम इस पॉकेट वाले को रखेंगे। कपड़ा जो हमने लिया है पॉकेट के लिए, जिधर से हमारा 12 इंच है उधर से हम इस तरह से रखेंगे पैजामा के साथ जोड़ के। हमें रबर की पट्टी को अलग से लगाना हो तो इस कपड़े को मैं टॉप से रखूँगी। ऊपर में जो 2 इंच छोड़ा वो नहीं छोड़ना है, वो ऊपर से ही रखना है। अब मैं यहाँ से इसकी माप लूँगी, जहाँ से हमने पॉकेट का कपड़ा रखा है और हमने जहाँ पर निशान लगाया था वहाँ से 2 इंच हमने एक निशान लगाया और यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं। आप 6 भी दे सकते हैं। बॉडी अगर हैवी साइज है तो आप 6 ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। हमने यहाँ पर 5.5 लिया है। ये इस तरह से मिला लूँगी मैं। अब इस पे सिलाई लगाऊंगी, जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ये हमने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ से मैं कट कर लूँगी, जहाँ हमने सिलाई लिया है उसके नीचे काटना है और ये कोने को भी अच्छी तरह से काट लेना है ताकि हमें पलटने में अच्छा हो और अच्छी तरह से पलट जाए। ये अब इसे मैं पलट लूँगी इस तरह से, देखिए। ये हमने पॉकेट को पलट दिया है पीछे साइड में। जो हमारा पॉकेट का कपड़ा था वो पीछे साइड गया है। अब आगे साइड से हम इसके ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।
ये हमने सिलाई लगा लिया है ऊपर ऊपर। ये अब इसे पीछे पलट लेते हैं। और यहाँ से अब ये पॉकेट का जो पार्ट है ये अभी खुला हुआ है, इसे हमें नीचे के साइड में मोड़ना है, इसे बंद करना है। तो इस तरह से अगर सिलाई करते हैं तो हमारा सिलाई जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, इसीलिए हमें इस तरह से कपड़े को पकड़ लेना है और इसे पलट देना है इस तरह से, जो कि ये सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चले जाए। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, बाद में हमें सिलाई लगाने में इसमें थोड़ी तकलीफ़ होगी, इसके लिए हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेनी चाहिए। ये अब देखिए ये इस तरह से सिलाई हो गया है। अब इसे पलट लेती हूँ फिर से, ये इस तरह से पलट लूँगी तो सिलाई ये अंदर चला गया। अब इसे इस तरह से रख लूँगी, यहाँ पर जॉइंट हो गया हमारा। अब ये ऊपर में हम इस तरह से मोड़ के और जहाँ हमने निशान लगाया है पट्टी मोड़ने का, वहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी पॉकेट में। अगर हम रबर पट्टी को अलग से लगाते हैं तो हमें इस तरह से निशान लगा के नहीं ज्वाइंट करना होगा, हमने पट्टी को जोड़ने के लिए इसी में ज्वाइंट रखा है कपड़ा। ये अब इस तरह से साइड से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा पॉकेट और जो पैजामा है वो दोनों ज्वाइंट हो जाए। ये अब हमारे आगे के पार्ट में ये हमारे पॉकेट लग गए हैं और हमने पट्टी भी लगा ली है ऊपर में। ये इस तरह से पॉकेट लग गए हैं, ये हमने इसी तरह से दोनों साइड में पॉकेट लगा लिया है। अब ये पीछे के साइड में हमने रबर लगाया है। अब पीछे वाले पार्ट को सीधा करके रखूँगी और आगे वाले पार्ट को उल्टा करके रखूँगी और इसके साइड में सिलाई लगाऊंगी मैं। सिलाई लगाते समय ये ध्यान रहे कि हमने अंदर में जो पॉकेट डाला है वो हमारा सिलाई के अंदर दबे नहीं। ये इस तरह से हम हाथ से दबा के देख लेंगे इस तरह से, और उसके बाद सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ तक हमारा सिलाई लगेगा, इसके नीचे से यहाँ पर पॉकेट हमारा दबे नहीं, हमें ध्यान रखना है। अब हमें सीधा सिलाई ले लेना है। यहाँ हमने कट लगाया है 4.5 इंच पे, हमने ये पैजामे में प्लाजो पैंट में हमने यहाँ पर कट लगाया है, तो इस तरह से सिलाई लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिल लेंगे, दूसरे साइड भी पॉकेट है उसे ध्यान में रख के हमें साइड हट थोड़ा थोड़ा साइड लेके सिलाई ले लेना है।
यहाँ पर भी हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से रिवर्स में ले लेंगे। अब ये देखिए हमारा प्लाजो पैंट तैयार हो गया है। इसमें ये पॉकेट, दोनों साइड में पॉकेट भी लग गए हैं, जो बिल्कुल आसानी से इसमें पॉकेट लग गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिए।